हेलो दोस्तों, तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका डॉलर ईआरपी का जो सॉफ्टवेयर है उसका आप लाइसेंस कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और लाइसेंस अगर आपको लेना है तो कहां से लेना है। लाइसेंस अगर आपको लेना है तो आप डॉलर ईआरपी की साइट पे जाके, यहां पे साइट मेंशन है डॉलर ईआरपी की साइट पे जाके आप यहां से भी परचेस कर सकते हैं, या लाइसेंस लेने के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ कि लाइसेंस अगर आपने ले लिया है तो आपको एक एक्टिवेशन की मिलेगी, एक सीरियल नंबर मिलेगा, और वो आपको कैसे एक्टिवेट करना है। तो कुछ इस तरह का सीरियल नंबर, ये आपका सीरियल नंबर हो गया, और ये आपकी एक्टिवेशन की कह लो या रजिस्ट्रेशन की कह लो, एक ही बात होती है, ये आपको मिलेगी। अब डॉलर ईआरपी में आपको कहाँ पे जाना है, लाइसेंस मैनेजर के अंदर जाना है। सिंपली आप ये पूछ रहा है कि जो आप लाइसेंस एक्टिवेट करोगे वो हार्ड डिस्क के साथ एक्टिवेट करोगे या प्रोसेसर के साथ में करोगे या मदरबोर्ड के साथ में करोगे। तो नॉर्मल इसको आप हार्ड डिस्क के साथ एक्टिवेट करोगे, उससे कोई इशू नहीं। अब सीरियल नंबर जो है हम डाल देते हैं इसका, ये इसका सीरियल नंबर है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और सिंपल आके पेस्ट मार दिया। और इसका जो है एक्टिवेशन की कह लो या रजिस्ट्रेशन की कह लो, एक ही बात होती है, सिंपली हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा डीलर आईडी, मतलब आपने किससे परचेज किया उसकी पर्टिकुलर एक आईडी है, वो है तो डाल दो, नहीं तो ब्लैंक भी आप इसको छोड़ सकते हो। इंस्टॉल बाय, अब जैसे कि मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मैं अपना डाल देता हूँ, और इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो, क्योंकि बेसिकली मैं डेमो इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पे डेट हमारी आ गई, ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपनी कंपनी का नाम ही डाल देता हूँ, ट्रेड में हमारा हो गया सॉफ्टवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर का काम है, आपका जो भी काम है वो डाल सकते हो इसके अंदर। ऐसे कोई ट्रेडिंग करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो भी आपका काम है वो डाल सकते हो। यहाँ पे आपका जो एड्रेस आप डाल दो पूरा इसके अंदर, ये आपने डाल दिया, सिटी में हमने डाल दिया इसके अंदर, दिल्ली पिन कोड हमने अपना डाल दिया इसके अंदर, स्टेट हमारा दिल्ली है, कंट्री हमारी इंडिया है, कॉन्टैक्ट पर्सन मेरे नाम हो गया इसके अंदर, ओनर आप ओनर हो, प्रोप्राइटर हो, जो भी अकाउंट मैनेजर जो भी आप हो आप इसमें डाल सकते हो। मोबाइल नंबर हमारा यहाँ फिर से आ गया, और हमारी ईमेल आईडी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की मेल आईडी आ जाएगी, और पासवर्ड, पासवर्ड ये आपका जो है ये पर्सनल पासवर्ड रहेगा आपका, जिससे इसको आप एक्टिवेट करें। ये सब इंफॉर्मेशन आपको वन टाइम फिल करनी है और सीधे आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सॉरी बैक आप करोगे, आप इसको सीधे आपसे सबमिट कर सकते हैं। ये हमारा जो है एक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास एक फाइल आएगी हमारी मेल पे, इसको हमने ओके कर दिया और अपनी मेल आईडी ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारी लाइसेंस फाइल हमारी मेल आईडी पे आ जाएगी, ये हमारी लाइसेंस फाइल। अब सिंपल इसको करना क्या है, यहाँ से इसको डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड हमने कर लिया इसको, और इसको हमें अपनी जहाँ पे हमने ये डॉलर ईआरपी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसके फोल्डर में उनको पेस्ट कर देना, जैसे कि डॉलर ईआरपी है ना, सिंपल यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। अब आप देखोगे मैं डॉलर ईआरपी के लाइसेंस दोबारा चलाऊंगा सॉफ्टवेयर, तो मेरा लाइसेंस मोड के अंदर चलेगा। ल
लाइसेंस फाउंड ईआरपी एडिशन सिंगल यूजर विद एक्सेस डेटाबेस। मेरा लाइसेंस एक्टिवेट हो गया है और ये आज से मतलब कि एक साल की वैलिडिटी मुझे दिखा रहा है 25/12/23। एक्चुअली 25/12/23 दिखा रहा है, ये जब मुझे लाइसेंस इशू हुआ था ये उसकी डेट दिखा रहा है, लेकिन मैंने ये एक्टिवेट आज की डेट में किया है। आज डेट 31 तारीख। तो ये इस तरह से इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे मोड में दिखाएगा कि आपका ये कब एक्सपायर होने वाला है। तो जब मैंने आज इसको एक्टिवेट करा है तो ये आज की डेट से मुझे पूरा एक साल दिखा रहा है। और यहाँ आपका नाम दिखा देगा, क्रिएट पर्सन, जो भी डिटेल आपकी, वो आपको यहाँ शो कर देगा आपके आपके नाम पे लाइसेंस एक्टिवेट। इस तरीके से आप अपना लाइसेंस पूरा एक्टिवेट कर सकते हैं डॉलर ईआरपी।